मंदसौर और नीमच जिले का तो बहुत गौरवशाली इतिहास, उसको क्यों भूल रहा हूं? बोले किसका नाम? मैंने हर्षवर्धन कहां के थे? यहीं के थे ना सर, यशोधर्मन यहीं के थे ना। यशपाल जी आपसे भी बात करी थी, हमने कहा ये अगर होटल बन रही तो यशोधर्मन जी को नमन नहीं करना चाहिए। और मैंने यहां से वहां तक, चूंकि अब ये बड़ी मुश्किल रहती है, आपने तो जहां से जड़ गड़ी है वो तो खुशबू वही आती रहती है, अब दूसरों को बड़ी तकलीफ होती है कि साहब ये क्या कर रहे हो। हमने कहा क्यों नहीं कर रहा, एक बार क्या 10 बार भी हो गए, अतीत से कट नहीं सकते। तो हमने कहा होटल अगर बनेगी तो यशोधर्मन के नाम पे ही बनेगी। ये यशोधर्मन तो वो लोग हैं जिनने हूणों को परास्त किया, हूण नाम की वो एक तरह से दुर्दांत जाति जिसके आधार में पूरा देश कांप रहा था, लेकिन यहाँ के वीर बहादुर सूरवीरों ने पूरे देश को राह दिखाई, जिनने विक्रमादित्य के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी प्रकार से पुनर्स्थापित इतिहास किया। तो हमारे लिए तो यही पहचान है, आज नीमच की कई कई कारणों से अलग पहचान है। नेत्रदान के मामले में नीमच यहाँ राजधानी मानी जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर आज अपने पास समय की थोड़ी कमी पड़ रही है, लेकिन 752 करोड़ के 20 से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन का ये आज का इतिहास बन रहा है नीमच की धरती पर, जिसके आधार पर जरा मजा नहीं आया, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, 752 करोड़ के आधार पर। और मुझे लग रहा कि 752 थोड़े आपको कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और बड़ी चीज देना पड़ेगी। मेरे को सूची बनवा दी है अपने मित्रों ने, कभी कभी ज्यादा दोस्ती भी अपने लिए थोड़ा अपने ढंग का अलग आनंद भी देती है, वो संकट में भी डालती, पर नीमच से ऐसा प्रेम है कि जो मांगेंगे, ऐसा लगता नहीं कि नीमच को मना करना चाहिए। ये आपकी अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार, और एक तरह से मेरे अपना जो प्रेम बताया प्रारंभ में, आपने कहा कि नीमच के कन्या महाविद्यालय में पिछली बार आया था तो स्टेडियम की भूमि दिलवाई थी नगर पालिका से, अगर स्टेडियम की जमीन दिलवाई थी तो स्टेडियम तो बनाना पड़ेगा, तो नीमच में वो स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं, सरकार अपने पैसे से स्टेडियम बनाएगी। आपने कहा भादवा माता में देश भर से लोग आते हैं और वहां हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जरूरत भी है, और खास करके पैरालिसिस के लोग ज्यादा आते हैं तो वहां फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, भादवा माता का जल भी चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरी व्यवस्था भी चाहिए। तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, 20 बेड का एक हॉस्पिटल भादवा माता पे देने की घोषणा करता हूं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी दूंगा, ताकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छा हो सकता है। एक और बड़ी बात, आपने कहा बंगला बगीचे में क्या छोटे छोटे बड़े बड़े क्या कौन का क्या समस्या है, बड़े प्लाटों की बड़ी झंझट है। बिल्कुल, आपने कहा तो हम और आप मिलकर निपटाएंगे, बंगला बगीचे की समस्या भी हल करेंगे, आपकी बहुत पुरानी समस्या। अब मनासा में आ जाओ, भादवा माता से वापस जाने के लिए नलखेड़ा का रास्ता आपके लोग भी बैठे हैं, जरा ताली बजाना, आपने यहां मनासा वाले कौन कौन बैठे हैं? माधव मारू जी आ जाए और कुछ नहीं ले, ऐसा कैसे हो सकता? तो माधव मारू जी ने 11 किलोमीटर की सड़क मांगी है, माधव जी मनासा के लिए आपके आधार पर वो देने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कुकड़ेश्वर में कॉलेज नहीं है, तो कुकड़ेश्वर को कौन नहीं जानता? पटवा जी के जमाने से कुकड़ेश्वर तो वो है जिनने अलख निरंजन करा है, तो कुकड़ेश्वर में कॉलेज खोलने की भी यही से घोषणा कर रहा हूं, कुकड़ेश्वर में भी कॉलेज खोला जाएगा। और आपने मनासा के आधार पर, अब मनासा से आगे बढ़ाएं गाड़ी हैं, कुकड़ेश्वर बाईपास, चलो आपने कहा तो कुकड़ेश्वर बाईपास देने की भी घोषणा करता हूं, ताकि कुकड़ेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी। अरे आपको ज्यादा, अभी एक अंगली पकड़ी दो पकड़ी पूरे ही किस्सा मत करो, थोड़ा तो छोड़ो भाई, अभी यार मेरे को दूसरी तरफ आने दो, ये बार बार ओम जी मेरी तरफ देख रहे, जावद का क्या होगा? जावद की चिंता मत करो ओम जी, जो आप चाहोगे वो होगा, जोरदार अभिनंदन करो जावद के लिए। सिंगोली का महाविद्यालय भी मैंने ही खोला था जाकर के, और सिंगोली में आपने कहा पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने की घोषणा करना, यहीं से घोषणा करता हूं सिंगोली में भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा। आपने कहा जावद का हॉस्पिटल 40 बेड का है,
अब आबादी बढ़ गई है। अब स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार शुक्लेचा जी की धरोहर है, वो कैसे नकार सकते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जावद के लिए भी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा रतनगढ़ से सामुदायिक केंद्र का उन्नयन करना है, तो उसमें क्या दिक्कत, बिल्कुल किया जाएगा ओम जी, आपकी बात यही से मानता हूं। और जावद से मोरबन रोड घोट ट्रैफिक है, आपने कहा इसको डबल रोड करना है, सुधीर जी भी हां में हां कर रहे हैं, सांसद जी तो आपके तो चारों उंगली और सिर परवारे काम निपट रहे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सुधीर जी के लिए अभिनंदन करें, आपके लोकप्रिय सांसद को मंद मंद मुस्कुराते हुए परवारे काम निपटवा रहे हैं। लेकिन आपका अधिकार, आपने विरासत में पूरा जिला दिया है, तो यह हमारी जवाबदारी बनती कि जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। क्यों भैया, होगा कि नहीं होगा? और आप सब भी चाहना कि मोदी जी के लिए कमल के फूल का वापस हमको ब्याज सहित चुकता करना, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ करके कई गुना आगे पहुंचाना है। ताली में मजा नहीं आया, जरा बताओ तो सही कि सही कह रहे कि नहीं कह रहे। आपने एक बड़ी मांग कही है कि हमारी हवाई पट्टी का उन्नयन करना है। अब आपकी ये बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हवाई पट्टी के माध्यम से एक बड़ी घोषणा हमने की है। आपके यहां बीमार आप उदयपुर पहुंचाते हो, दूर दूर ले जाते हो। हमारी सरकार ने निर्णय किया, अब बदलते दौर का समय, पहले बैलगाड़ी का युग था, बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, उसके पैदल जाते थे। आज बड़ी गाड़ियों का बस समय आ गया तो बड़ी गाड़ी में जाते हैं, लेकिन अब एम्बुलेंस भी ऐसा लगता है कि प्राण बचाने के लिए कम पड़ता समय। आज के इस दौर में अब एयर एम्बुलेंस की जरूरत है, हवाई जहाज के माध्यम से भी किसी आदमी को मरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहुत जल्दी देने वाले हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको लगता है कि बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए तो केवल। तो आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जो नीमच में विकास कार्यों को लोकार्पण कर रहे थे और अपने सरकार की सारी सफलताएं अब तक की जो है वो गिनवा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर आ रही है मध्य प्रदेश में एक बड़ा